The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों, कोविड की लड़ाई में एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट जो लोगों को नहीं पता है, जो बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पल्स ऑक्सीमीटर्स जो होते हैं, किसी भी प्रकार के, किसी भी कंपनी के हो, ये धोखा देते हैं। इनके धोखे में नहीं आना है तो इसके लिए पहले समझना है। कई लोगों के फोन आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं कि सर पल्स ऑक्सीमीटर जो है 92 जाता है, फिर 93 जाता है, फिर 94 जाता है, फिर 97 जाता है, फिर 99 जाता है, या जो भी है, पहले 80 जाता है, फिर 90 जाता है, फिर 95 जाता है। तो किस पे भरोसा करना है? क्योंकि देखो, घर पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप अपने ऑक्सीजन लेवल का, और हर एक चीज के लिए डॉक्टर को, अननेसेसरी चीजों के लिए आप फोन करेंगे तो सारे फोन के डॉक्टर परेशान हो जाएगा। तो इसलिए इसको समझ लो, एक बात समझ लो, ये ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ग्रेविटी का असर दिखाता हूँ आपको। ग्रेविटी का असर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रेविटी का असर क्या है। और ये मैंने उंगली डाली है और ये ग्रेविटी के थ्रू मेरा हाथ ऊपर डाला हुआ है, और ऊपर आप देखोगे ग्रेविटी के थ्रू जब ऊपर ऐसा रख रहा हूँ तो क्या हाल हो रहा है। लेट्स सी। सो आप देख रहे हैं मेरा अभी 95, 94, और ये ग्रेविटी का असर देखिए। ग्रेविटी क्या कर रही है? ग्रेविटी इस उंगली से ब्लड को नीचे खींचेगी। जितना मैं ऊपर जाऊंगा उतना उंगली से ब्लड नीचे आएगा। थोड़ी देर में देखेंगे तो ये 94 हो गया। अब ये 94 हो गया, ऐसे ऊपर रखूंगा तो 92 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोविड हो गया है। अब मैं इसको नीचे करता हूँ। अब ग्रेविटी को नीचे जान देते हैं। ग्रेविटी से देखिए क्या होता है। अब ग्रेविटी से ये देखो 93 हो गया था उधर रहते हुए, अब मैंने नीचे किया है। अब नीचे करना पड़ेगा, हार्ट से नीचे। जब हम इसको हार्ट से नीचे करेंगे तो थोड़ी देर में ये वापस ऊपर आ जाएगा। सो व्हाट डज दैट, ये 94 हो गया, 95 हो गया, देखो 94, 95 हो गया, ठीक है, 96, 97 चला जाएगा। सो ग्रेविटी का इफेक्ट समझिए। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज ऑक्सीजनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके लंग से, आपके ब्लड का, एंड उसका ये तरीका है उंगलियों तक अगर 95, 96 ऑक्सीजन पहुंच रहा है। 96 हो गया, तो वहां कैसे करा, 93 हो गया था, ऐसा करा तो 96, 3-4 का डिफरेंस आ गया। सो डू यू अंडरस्टैंड हाउ दैट इज, है ना, समझ रहे हैं? सो 96 आ रहा है, अभी मैं एक्साइटेड हूं तो अभी मेरा हार्ट रेट बढ़ा हुआ आ रहा है। हार्ट रेट इज 106, राइट? सो ये हार्ट रेट बढ़ा है, 96 हो गया है। इफ यू डो कांट सी, आई डोंट नो, इफ यू कैन सी यू कैन सी, इफ यू कांट सी यू कांट सी, पर जो है हम बता रहे हैं समझ लो। इसका ग्रेविटी इफेक्ट समझ लीजिए। अगर एक उंगली में कम आ रहा है तो दूसरी उंगली करो, हमेशा 4-5 उंगलियों में करो। उसके बाद कम आ रहा है तो ब्लड फ्लो बढ़ा के देखो, ब्लड फ्लो बढ़ाइए उंगलियों में, ब्लड फ्लो बढ़ा के देखो। ब्लड फ्लो बढ़ाने के बाद भी सही आ रहा है, कितना आ रहा है फिर देखो। ब्लड फ्लो बढ़ाने के बाद में भी अगर आपका कम आ रहा है, अगर आपका तब भी कम आ रहा है, तब एक्चुअली लंग में प्रॉब्लम है। तो लंग में प्रॉब्लम है या ग्रेविटी का प्रॉब्लम है या हल्का फुल्का इशू है, इससे देख सकते हैं आप। सो ये मशीन है, देखो 97 थोड़ा सा मैंने किया, अब 97 हो गया। अब थोड़े देर में और देखोगे 98, 99 भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका, ठीक है। सो 90, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसके बारे में। सो ये बताना भी जरूरी था। आजकल अभी हम लोग एक्साइटेड मोड पे चल रहे हैं क्योंकि लिटरली हजारों कंसल्टेशन करने पड़ रहे हैं दिन भर में। मतलब इट्स लाइक कंसल्टेशन तो कम ही आते हैं, पर उनके फिर सवाल आते हैं, सर ये हो गया क्या करूं, फिर ये हो गया क्या करूं, सर ये हो गया क्या करूं, वो हो गया क्या करूं, ऑक्सीजन सैचुरेशन एक कम हो गया, ये टेस्ट में ये आ गया। एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड, एवरीबडी वांट्स आंसर्स, एंड हर एक जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड वी बिकम हाइपर। सो प्लीज अंडरस्टैंड, और ये चीजें, छोटी छोटी चीजें शेयर करिए, सबकी मदद करिए। भाई साहब प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो पल्स ऑक्सीमीटर में अगर कम दिखा रहा है तो उसको हमेशा रीचेक करिए, बाकी उंगलियों में, पैर में चेक कर लो, दोनों हाथ में चेक कर लो। अगर कोई भी मैक्सिमम रीडिंग आ रही है, ठीक है, अगर लंग्स काम नहीं कर रहे, अगर लंग्स फेफड़ों में दिक्कत है, तो मैक्सिमम रीडिंग जो आ रही है वो ज्यादा नहीं आएगी। अगर मैक्सिमम रीडिंग आपकी 90 से ऊपर जा ही नहीं रही, कुछ कर लिया 90 से ऊपर नहीं जा रही, दैट मीन्स लंग डैमेज हो रहे हैं, दैट मीन्स स्टीरॉयड की जरूरत है, एडमिशन की, ऑक्सीजन की जरूरत है, नेबुलाइजर की जरूरत है। नेबुलाइजेशन करिए घर पे लाके, नेबुलाइजर की मशीन मिल जाएगी, ऑक्सीजन नहीं भी मिला तो नेबुलाइजर लेके रखो घर पे, और लिवोलिन, ब्यूटीकॉट, ये सब नेबुलाइजर लाइए, जितना जरूरत पड़ रही उतनी नेबुलाइजर करो, कोई बात नहीं। दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, अगर जिससे भी
साम डाम दंड भेद, कैसे भी करके ऑक्सीजन लेवल 90 के ऊपर लानी है, दैट इज द आइडिया। ठीक है, चाहे स्टीरॉयड देना पड़े, चाहे नेबुलाइज करना पड़े, चाहे इंजेक्शन लगानी पड़े, चाहे डेरीफाइलिन डॉक्सीफाइलिन देनी पड़े, ब्रोंकोडायलेटर देना पड़े, यही चीज अस्पताल में होती है, यही आपको करना है। देखिए क्राइसिस सिचुएशन है, अस्पताल भरे पड़े हैं, इंस्टेड ऑफ डाइंग एट होम विथ नो नॉलेज, शेयर दिस थिंग। ओके प्लीज डू दैट, प्लीज शेयर, डू दैट, प्लीज डू दैट। और क्या बताना है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, डाउट हो रहा है, यू कैन कंसल्ट अस, 7827570775 पे व्हाट्सएप करिए और अपनी प्रॉब्लम जो है लिख के उसमें वेट करिए। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है ऐसी रिपोर्ट बता दी जाएगी, अगर प्रॉपर कंसल्टेशन है फीस भर के कॉल करिए, व्हाट्सएप कॉल। ओके थैंक यू।